मित्र जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके मध्य एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो मैं मुंबई में हुए हादसों की बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो हुआ ठीक नहीं हुआ, इसमें कौन दोषी है, क्या कौन कर रहा है, उसको अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हमारा कर्तव्य ये है कि हम समाज में एक अच्छी व्यवस्था को लेकर के चलें और संभल कर चले, भीड़ भाड़ से बचें और जल्दबाजी से बचें, कर्म करते रहें। तो मन बहुत व्यथित है, किंतु आप लोगों को एक आवश्यक जानकारी देनी थी, इसलिए वीडियो बनाना आवश्यक हो गया। 2 दिन पहले मेरा एक वीडियो आया कि फाइनल एग्ज़ाम कब हो रहा है और चुनाव का फाइनल एग्ज़ाम पे क्या इम्पैक्ट है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पुनः देख लीजिए। अगला टॉपिक, अभी दो चीज़ें यहाँ हैं, एक ATKT का एग्ज़ाम और दूसरा है फाइनल एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे, और सबसे बड़ी बात है ATKT का फॉर्म अभी तक आया ही नहीं है। जो लिंक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी उस लिंक में अक्टूबर में जिन्होंने भरा है तो उनका दिखाई दे रहा है, जिन्होंने नहीं भरा नहीं दिखाई दे रहा। आपको चार चीज़ें आज मैं बताऊँगा। पहला तो है ATKT का फॉर्म, दूसरा है ATKT एग्ज़ाम, तीसरा है फाइनल एग्ज़ाम मतलब अप्रैल मई का एग्ज़ाम, और चौथा है चुनाव की तारीखें जो महाराष्ट्र में हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। YCMO को केवल महाराष्ट्र की चुनाव की डेट्स ही इम्पैक्ट कर सकेंगे, बाकी और कोई नहीं। बाकी आते हैं ATKT का फॉर्म। ATKT का फॉर्म ऑनलाइन आएगा। यह फॉर्म मार्च 31 के पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे और उन सभी का एग्ज़ाम अकोमोडेट करना है इसी फाइनल एग्ज़ाम। आपको बता दूं, ATKT का एग्ज़ाम और आपके रेगुलर कोर्स का एग्ज़ाम, रेगुलर मतलब जो आप कोर्स कर रहे हैं BA BCOM BSc, उन सब का एग्ज़ाम सब साथ में ही होता है। समझ लो किसी का अकाउंट्स क्लियर नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर का और उसने ATKT का फॉर्म भर दिया और वो सेकेंड ईयर के अपने एग्ज़ाम्स दे रहा है, तो जिस दिन FY का रेगुलर का अकाउंट्स का एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपके ATKT का एग्ज़ाम होगा। क्लैश नहीं होना चाहिए, पिछली बार क्लैश हुआ था तो आपका टाइम टेबल चेंज हो गया था। क्लैश नहीं होगा, यूनिवर्सिटी आपके टाइम टेबल्स बना रही है। संभवतः आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट वीक या मई 1 से 16 के बीच होने वाला है, ये मेरी प्रडिक्शंस हैं। आपको एग्जैक्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा। ये वीडियो अचानक बनाने का मेरा कारण यही था, बहुत सारे बच्चे ATKT के फॉर्म को लेकर टेंशन में। आप YCMO की वेबसाइट में लगातार जाते रहिए, वहाँ आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। मेरा वीडियो भी आपको अपडेट्स देगा, मेरा यूट्यूब चैनल अपडेट देता ही रहता है आपको। तो सबसे पहले स्टेप 1, आपको ATKT का फॉर्म भरना है ऑनलाइन। स्टेप 2, फॉर्म भरने के बाद कुछ ही दिनों में आपका, अच्छा बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर आप डेट्स की वीडियो कब बनाओगे। भाई ये जो एग्ज़ाम डेट्स हैं ये आएंगी ATKT का फॉर्म हो जाने के बाद या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा। ये मेरे प्रडिक्शंस हैं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो कब होगा? लेट से लेट अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम की डेट्स आ जाएंगी। इस बार एग्ज़ाम जून में नहीं जाएगा, मई में ही हो जाएगा, ये सबसे खुशी की बात है। तब तक कोई प्लानिंग मत करो, तब तक कोई टिकट मत निकालो, तब तक कहीं आने जाने का कुछ मत सोचो जब तक कि यूनिवर्सिटी एग्जैक्ट डेट नहीं दे देती है। चुनाव का एग्ज़ाम पर कोई असर नहीं होगा, 2 ही दिन महाराष्ट्र में चुनाव इम्पैक्ट कर सकता है एग्ज़ाम को जिस तरह से टाइम टेबल बनने वाला है, और 2 ही अप्रैल में है तो घबराने की बात नहीं है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन एग्ज़ाम नहीं रहेगा, ऐसा यूनिवर्सिटी विधान बना रहे हैं। तो अब आपको ATKT को लेकर कोई टेंशन है? नहीं है, वेरी गुड। तो ATKT का फॉर्म जैसे ही आएगा मैं पुनः वीडियो डाउनलोड अपलोड कर दूँगा कि ATKT का फॉर्म ऑनलाइन आ गया, आप लोग जा करके अपने स्टडी सेंटर या अपने खुद से मोबाइल से या साइबर कैफे में आप जा करके भर सकते हैं। तो ATKT का फॉर्म का भी वीडियो बनेगा और फाइनल एग्ज़ाम की डेट्स का भी वीडियो बनेगा और हॉल टिकट डाउनलोड कैसे करना है, कब करना है, उसका वीडियो भी बनाऊंगा। आप बिल्कुल ना घबराएं, मेरे चैनल के साथ लगे रहें, सब्सक्राइब करें चैनल, एक बार ही करना होता है, बार बार मत करो नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। और लाइक करते रहें, मित्रों को जरूर शेयर करें नहीं तो उनको आवश्यक जानकारी छूट जाती है। तो
और अगर आप कोई सजेशन है, कोई कमेंट्स हैं, तो मुझे अवश्य बताएं। आपके कमेंट के बाद ही मुझे वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं बनाता था। थोड़ा टाइम रुकिए, पढ़ाई पर अवश्य ध्यान दें, बुक्स को पढ़ाइए। लास्ट के 4 साल, 5 साल, 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर डालिए जो कि चैनल पर ऑलरेडी हैं। और भी अगर कोई इसके बाद भी कोई डाउट है, पूरा वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।